गाइस, अगर आप अपने विंडोज में किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप ओपन कर रहे हो या लॉन्च कर रहे हो, और लॉन्च करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो होता है, दिस ऐप हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप इस प्रॉब्लम को, आप इस एरर को कम्प्लीटली आप सॉल्व कैसे करोगे? तो गाइज, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे 5 डिफरेंट प्रोसेसेस बताऊंगा। अगर आपका फर्स्ट प्रोसेस है, अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप वहाँ पे सेकंड प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकंड प्रोसेस से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप वहाँ पे थर्ड प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं जितने भी प्रोसेसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे किसी न किसी एक प्रोसेस से जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस में करना ये है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन को आप लॉन्च कर रहे हो या ओपन कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे मेरा ये VLC मीडिया प्लेयर है, तो यहाँ पे जैसे मान के चले कि आप इसे ओपन कर रहे हो या आप इसे लॉन्च करते हो, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम शो होता है, वो एरर शो होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको उस पार्टिकुलरली उस एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक कर आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और चेक करना है कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे, तो आपके सामने एक पॉपअप शो होगा यस नो का, तो आपको उसे यस करना है और देखना है कि आपका जो एप्लीकेशन है, जो वो पार्टिकुलरली एप्लीकेशन है, वो आपका ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर इन केस अगर इस तरह करने से भी अगर आपका ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है, जो आपका जिस भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, तब आपको करना क्या है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे अब सेकेंड प्रोसेस बताऊंगा। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है, सेकेंड प्रोसेस में आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे जाओगे यहाँ पे राइट साइड की ओर, तो आपको यहाँ पे टास्क बार में आपको एक एरो शो होगा अपवर्ड की ओर, तो आपको इसे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो भी मैंने जो भी एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल है, वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा ये डिफेंडर शो हो रहा है, मैंने जो विंडोज़ का अपना पर्सनल जो एंटीवायरस है, ऑफिशियल जो एंटीवायरस है, यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, और आपका जो भी एंटीवायरस है यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर आप एक्सटर्नल एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो या इंटरनल एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो। तो आपको करना क्या है कि आपको उस एंटीवायरस पे या उस डिफेंडर पे, विंडोज़ डिफेंडर पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको व्यू सिक्योरिटी डैशबोर्ड का आपके यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद और आपके यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे चले जाना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में। अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो, तो आपके उसके सेटिंग्स में जाना है। अगर आप एक्सटर्नल एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो, जैसे मेरे यहाँ पे ये इंटरनल एंटीवायरस है, जो विंडोज़ का पर्सनल एंटीवायरस है, इसके मैं यहाँ पे सेटिंग में आया हूँ, और यहाँ पे आने के बाद और आपको यहाँ पे मैनेज सेटिंग का आपके यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप एक्सटर्नल एंटीवायरस भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे भी रियल टाइम प्रोटेक्शन का आपको मैंने ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसे टर्न ऑफ कर लेना है, मैंने आपको यहाँ पे अपने विंडोज सिक्योरिटी को टर्न ऑफ कर लेना है, या आपका जो भी एक्सटर्नल एंटीवायरस है उसे आपको टर्न ऑफ कर देना है, रियल टाइम प्रोटेक्शन को टर्न ऑफ कर देना है। और टर्न ऑफ करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको उस पार्टिकुलरली एप्लीकेशन को ओपन करके चेक करना है कि आपका वो जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपका ओपन हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो रहा है कि नहीं। अगर तब भी नहीं हो रहा है, तो आप एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करके एक बार आप चेक कीजिएगा, और रिस्टार्ट करने के बाद भी चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद देखिएगा कि आपका वो लॉन्च हो रहा है कि नहीं। अगर इन केस अगर आपका ये सेकेंड मेथड से, मैंने सेकेंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपके यहाँ पे थर्ड नंबर प्रोसेस बताता हूँ। तो थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में आना है। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे अपने सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD, और आपको यहाँ पे अपने CMD को ओपन कर लेना है, मैंने अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट आपके यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, /scan now। जैसे आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, /scan now। तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करने के बाद जो आपके सिस्टम में, आपके विंडोज में, या आपके किसी भी एप्लीकेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद उसे रिपेयर करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ,
और इंटरफेस करने के बाद जो यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे मेरा रिपेयर का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ मिनट का आपके यहाँ पे टाइम लगे, तो आपको जरा यहाँ पे वेट करना है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जरा वेरिफिकेशन होगा आपके सिस्टम का, स्कैनिंग का वेरिफिकेशन होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है और यहाँ पे 1% यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर होगा और जो आपका सिस्टम में आपके विंडोज में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 100% तक वेरिफिकेशन होगा और 100% तक वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर आपको सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको उसे क्लोज कर देना है ये वेरिफिकेशन होने के बाद कंप्लीट, और एक बार आपको अपनी विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो रहा है कि नहीं, वो ओपन हो रहा है कि नहीं, जो एरर शो हो रहा था वो एरर शो हो रहा है कि नहीं, तब भी आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इन केस अगर आपका थर्ड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की और आपको यहाँ पे ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। और ऐप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस इंस्टॉल्ड ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। और यहाँ पे आने के बाद और आपके यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम का जो एप्लीकेशन है या एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, तो आपको टोटल एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और जिस भी एप्लीकेशन की हेल्प मैंने जिस भी एप्लीकेशन से जो आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको करना क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे मेरा ये कैमरा जैसे आप ओपन करते हो तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रहा है, आप इसे लॉन्च करते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको इसके राइट साइड की ओर आना है और आपको यहाँ पे थ्री डॉट को आपको यहाँ पे एक आइकन शो होगा, मेन्यू का आइकन शो होगा, तो आपको इस थ्री डॉट वाले आइकन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे उस पार्टिकुलरली एप्लीकेशन के आप सेटिंग्स में आ जाओगे। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिपेयर और रीसेट का दोनों का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको उस एप्लीकेशन को जिस एप्लीकेशन का जो एरर आ रहा है, जिस एप्लीकेशन को ऑन करने पे या लॉन्च करने पे एरर आ रहा है, तो आपको उसे रिपेयर करना है और रिपेयर करके चेक करना है कि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर तब भी नहीं सॉल्व होता है तो आपको यहाँ पे फाइनली आपको उसे रीसेट करना है और रीसेट करके चेक करना है कि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इन केस ये फोर्थ नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिफ्थ नंबर प्रोसेस। ऐसे मैं यहाँ पर जितने भी प्रोसेस बताए हैं फोर्थ प्रोसेस, यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस तक आते आते आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाएगा तब भी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस भी बता देता हूँ। फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको शो हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे हट गया है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल वाला फिर से यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद जैसे आपके यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है, और अगर इन केस अगर आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड की ओर यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और रिकवरी वाले ऑप्शन में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपके सामने सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जैसे मैं अपने सिस्टम को रिस्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे सिस्टम में यहाँ पे शो हो रहा है, रिस्टोर करने के दौरान यहाँ पे ये एरर शो हो रहा है। अगर इन केस अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो होता है सिस्टम रिस्टोर करने के दौरान, तो इसके रिगार्डिंग में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद अगर आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है या किन्हीं के लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना है।
और नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने वहाँ पे 3 to 4 या 5 आपको वहाँ पे कुछ डेट आपको वहाँ पे शो होंगे, डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होंगे, किन्हीं किन्हीं लोगों का सिंगल डेट और टाइम भी वहाँ पे शो होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको आज के डेट के नियरली उस डेट को वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मैंने आज के डेट के नियरली जो भी वहाँ पे डेट वहाँ पे शो होगा तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। और जैसे मान के चलिए कि किन्हीं किन्हीं लोगों को मालूम नहीं होता है कि रिव्यू स्टोर करने से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि रिव्यू स्टोर करने से क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हो और वहाँ पे एरर्स हो रहा है, वो जो प्रॉब्लम आज से आ रहा है, तो मान के चलिए कल अपने आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, यस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप इसे रीस्टोर कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है, वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। और 2-3 दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे, जो भी डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस डेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो शिफ्ट हो जाएगा, उस डेट में आपका शिफ्ट हो जाएगा। और उस डेट में शिफ्ट होने का यह है कि मतलब कि आपका सिस्टम जैसा भी था उस डेट को, उस टाइम में जैसे भी सिस्टम आपका था, जैसा भी था, वो एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। आज जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसे रीस्टोर करना है और यहाँ पे आपको अपने डेट को सिलेक्ट करना है, और डेट को सिलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने के बाद वहाँ पे आपको सी ड्राइव का ऑप्शन होगा, सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और आपको फिनिश कर देना है, और आपका जो सिस्टम है वो रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे कर नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आता है तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं तो बताया ही हूँ कि मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। तो और गैज, और मैं आपको बता दूँ कि सिस्टम रिस्टोर करने में कुछ लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कुल किसी लोगों का 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको जरा यहाँ पे पेशेंस रखना है और कम्प्लीटली आपको अपने सिस्टम को रिस्टोर कर लेना है, और रिस्टोर करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया हो, ज्वाइन नहीं किया हो, तो जल्दी से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।